कहते हैं कि जिंदगी हमको कुछ ना कुछ सिखाती है, पर क्या हम स्टूडेंट बनकर सीखने को तैयार हैं? अक्सर कहा जाए कि नहीं। कहीं ना कहीं हमको ये एक फीलिंग चल रही होती है कि हम कैदी हैं, हम ब्लेम कर रहे होते हैं, हम एक विक्टिम फीलिंग के साथ में जी रहे होते हैं। हमारी जिंदगी इसी तरह से कट जाती है, हमारी सोसाइटी को, फैमिली को, कल्चर को ब्लेम करते हुए, सिस्टम को ब्लेम करते हुए। मैं भी उसी तरह से कहीं ना कहीं थी, मेरे दिमाग में भी बहुत ब्लेम्स के पैटर्न चलते थे, पर मुझे ये कभी अपनी ब्रेन पैटर्न्स या ये तरीका मेरा खुद का जीने का मुझे कभी पसंद नहीं आता था। मैं अपने आप से ही क्वेश्चन करती थी, और शायद यही एक रीज़न है कि मैं अपने ज़िंदगी के उस मोड पर आई जहाँ पर मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखा, टाइमलाइन थेरेपी सीखा, और मेरा लाइफ कोच का जो प्रोग्राम है वो इन दोनों थेरेपी के बेस पर है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंज देखा है तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। कैरियर काउंसलर बनने का मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिला, इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। ये मोटिवेशन मुझे मेरे सन के थ्रू, मेरे बेटे की वजह से था। शुरू से उसको देखा मैंने कि ही इज़ अ वेरी क्यूरियस किड। हम जब भी पढ़ाई करते थे तो हमारे पास में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकालने का एक तैयारी रहती थी। मैंने अपनी स्कूल लाइफ लगता है फिर से जी उसके साथ में। तो भी मेरे पास में एक मौका आया जब मैं कंफ्यूज थी उसके कैरियर को लेकर, क्योंकि जब देखो तब हम हर एक्टिविटीज़ में उसको डालते थे, उसका इंटेलिजेंस लेवल हर लेवल पर ग्रो होने लगा था। वो म्यूज़िक भी अच्छा कर रहा था तो वो एकेडमिक्स भी अच्छा कर रहा था। स्पोर्ट्स अगर अच्छा नहीं कर रहा था तो मैंने उसको ऐसे स्पोर्ट्स में कर दिया कि जहाँ पर वो उसकी लाइकिंग स्टार्ट होने लगी। हम बीइंग अ पेरेंट्स बहुत कुछ बच्चों के लिए सोचते हैं, पर जब कैरियर डिसाइड करें और फिर उसका कौन सा इंटेलिजेंस लेवल उस कैरियर पर वर्क करेगा, वो कन्फ्यूजन। और उस कन्फ्यूजन ने जब मुझे कैरियर काउंसलर से मिलवाया तब मुझे लगा कि हाँ, ये वो चीज़ है जो मुझे करनी है। क्योंकि ज़माने से मेरी इच्छा थी, मैंने जब पढ़ाई का अपने ब्रेक दिया था और उसके बाद में जब मैं अपनी स्टडीज़ को वापस रीस्टार्ट कर रही थी, मैं जब एमबीए करना स्टार्ट किया था, उस मोमेंट पर वो एमबीए का मेन ऑब्जेक्टिव भी था कि मैं कैसे स्टूडेंट्स, टीनेजर्स को हेल्प कर सकूं। और कैरियर काउंसलर जैसा प्रोफेशन, मतलब मुझे ये लगा कि डायरेक्ट इंटरेक्शन है बच्चों से, डायरेक्ट उनकी ब्रेन को समझना, डायरेक्ट उनके इंटरेस्ट, उनके वैल्यूज़ को समझना और उनकी स्ट्रेंथ को पहचानना। और बड़ा मज़ा आता है जब मतलब पेरेंट्स सामने होते हैं एक कंफ्यूजन के साथ में, और जब काउंसलिंग का पूरा दौर चलता है और एट द एंड वो एक कन्फ्यूजन चेंज होता है उनकी स्ट्रेंथ को जानकर, उनकी वैल्यूज़ को जानकर, उनकी मेंटल एबिलिटी को जानकर। और जो वो खुशी जो दिखती है, जो सेटिस्फेक्शन पेरेंट्स के चेहरे पर दिखता है और एक एनर्जी बच्चों के चेहरे पर दिखती है, मतलब दैट इज़ डन, वही है जो मैं करना चाहती हूँ। मेरे फर्म का नाम माइंड मिरर, इसके पीछे थ्योरी ये है कि जब मैंने कैरियर काउंसलिंग साइकोलॉजी इन सब की स्टडीज़ किया, तब 16 पर्सनालिटीज़, हर इंसान हालांकि यूनिक है पर तो भी अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी वो 16 पर्सनालिटी में डिवाइडेड है। और जहां वो अपनी पर्सनालिटी की कैटेगरी को समझता है कि मैं यहां पर हूं, उस दिन उसको ये पता चल जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उसके ब्रेन का एक सामने, उसकी पर्सनालिटी का एक मिरर सामने आ जाता है। और यही रीज़न था कि मुझे माइंड मिरर वर्ड इतना
अफेक्टिव लगा। दूसरा, मेरा जो बहुत सारे जो इस माइंड मिरर फर्म के जो प्रोग्राम्स हैं, जो कि खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो जब हम लोग प्रोग्राम्स, जो ट्रेनिंग हम लोगों को देते हैं, उससे उनका एक मिरर नया ओपन होता है, एक ब्रेन टेक्निक उनको पता चलती है। हम बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव बेसिस पालते हैं, संभालते हैं, पर बच्चे कंफ्यूज, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो कंफ्यूज ही हैं। और माइंड मिरर फॉर्म में हम क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सिखाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को लीडरशिप स्किल्स सिखाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं। पर इन सब के साथ, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, दे ऑल रिक्वायर टू नो इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आईक्यू तो कुछ भी लेवल पर हो, कहीं पर भी हो, पर हमारा जो कनेक्शन है इस दुनिया में, कोई भी आइसोलेट रहकर नहीं चल सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस समझना बहुत ज़रूरी है। और इस ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मेरा बेस्ड है मेडिटेशन टेक्निक्स में, सेल्फ एम्पावरमेंट लेवल पर है, सेल्फ हीलिंग स्किल के साथ में है। और जब ये टेक्निक्स इंसान यूज़ करता है अपनी लाइफ में, तो वो उसको स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस लगता है, क्योंकि आप लाइफ से स्ट्रेस को कभी नहीं काट सकते हैं, स्ट्रेस विल ऑलवेज बी देयर। मुझे ये लगता था कि लोग कला में, जो बच्चे कला में जा रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, और जब वो उस कंपटीशन में हारते हैं, वो सुसाइड के बारे में सोच सकते हैं। कला तो वो चीज़ है जो इमोशंस को फील करना सिखाता है, फिर भी ऐसा क्या होता है, जो वो एक मोमेंट होता है जब बच्चे सुसाइड करने तक का भी सोच लेते हैं। शायद हमारी सोसाइटी में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी बढ़ती जा रही है। मैं भी अपने बच्चे के क्यूरियोसिटी या उसकी डिमांड या उसके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते वक्त में इरिटेट हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा आईक्यू तो अच्छा है, पर कहीं मेरा ईक्यू अफेक्टेड हो रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। इन सबके पीछे विजन यही है कि थॉट जब हम क्रिएट करते हैं तो फीलिंग डेवलप होती है, और उसी फीलिंग से हमारे एक्शंस होते हैं। एक्शंस सही हैं, गलत हैं, वो जनरेट होते हैं हमारे सोच विचार से। एंड आई जस्ट वांटेड टू हिट थॉट्स ऑफ द पीपल। थॉट्स चेंज करो, विजन यही है कि थॉट्स चेंज करो, फीलिंग अपने आप बदलेगी। एक्शन, रिवर्स एक्शन है कि एक्शन लेना पड़ेगा थॉट्स चेंज करने का। और इसी विजन के साथ में मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी, मैं एस्पायरिंग वुमेन में होस्ट हूँ, और बीइंग पार्ट ऑफ वुमेन कम्युनिटी, मैंने उस कम्युनिटी में हमेशा ये देखा कि वुमेन्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, स्टार्टअप पिच तैयार करने में, डिजिटल मार्केटिंग में, प्रोडक्ट्स आइडिया शेयर करने में, नेटवर्क बिल्ड करने में। इतना एक्टिव आज के वुमेन हैं, एंड दे आर रेडी टू हेल्प ईच अदर। उनमें एक एनर्जी है, एक एंथुसियाज्म है, कुछ करना है, और रोज कुछ इनोवेशन। मैंने कहा यार, ये इनोवेशन लोगों तक और लेकर आए, दो दे आर ऑल्सो ट्राइंग, उनका अपनी भी कोशिश है। पर जनता दरबार के एस्पायरिंग वुमेन के थ्रू, ये छोटे छोटे इंटरव्यूज से हम जनता तक इनकी स्टोरीज लाने चाह रहे हैं, क्योंकि हर वुमेन के पीछे, हर महिला के पीछे एक जो एनर्जी, जो मोटिवेशन वर्क कर रहा है, उसकी लाइफ की स्टोरी वर्क कर रही है, उसका लाइफ का बैलेंस जो वर्क कर रहा है, वो सब पब्लिक तक जाना चाहिए। वो कैसे मैनेज कर पा रही है अपने वर्क को और अपने घर को, और क्या स्टोरी थी या क्या थॉट था, क्या इंटेंशन था उस एक वर्क को करने के लिए। शायद ये इंटेंशन आज मोटिवेट करेगा दूसरे और लोगों को। हमारा एम यही है। और एस्पायरिंग वुमेन में मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ जयपुर की
महिलाओं को लाने के लिए, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ेंगे। और ये प्रोग्राम हमारे पूरे टीम के मिले बिना, जहाँ पर हमारे कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, हमारे वॉइस बैलेंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन सब का मिला जुला टीम वर्क, और उससे बड़ी बात जो हमारे गेस्ट हैं, वो स्पेशल गेस्ट जिनकी एक बहुत स्पेशल स्टोरी है, वो जो हम मैं आपके पास में लाना चाहती हूँ।